राम राम जी सबको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पोल्यूशन अब पोल्यूशन क्या होता है अनवांटेड चेंज इन फीचर ऑफ एयर वाटर एंड लैंड दैट आर डेंजरस टू ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म दर लाइफ कंडीशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड कल्चरल अचीवमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन टाइप ऑफ पॉल्यूशन एयर वाटर साउंड सॉइल एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन यहाँ पे पाँच छः पॉल्यूशन दे रखे हैं इसके अलावा और कौन कौन से पॉल्यूशन हो सकते हैं काइंडली द कमेंट अब आता है हमारे पास एयर पोल्यूशन वेन द पॉल्यूशन इज इन द एटमोसफियर एंड द सफिशियंट क्वानिटी ऑफ एटमोसफियर रिड्यूसड इट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन मेन एयर पॉल्यूशन के होते हैं कार्बन मोनऑक्साइड सल्फर डाई हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड नोटू हाइड्रोकार्बन अमोनिया स्मोक ऑफ टोबैको फ्लोराइड स्मोक एंड पार्टिकल ऑफ स्मोक एरोसोल एक्टेट्रा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट वट आर द मेन एयर पोल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन अमोनिया स्मोक ऑफ टोबैको फ्लोराइड स्मोक एंड पार्टिकल ऑफ स्मोक एरोसोल एटसेट्रा ये सारे सारे क्या हैं एयर पोल्यूटिंग थे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राई नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद द विदेंट इन्वायरमेंटल वाटर और इससे सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लाइन से दे रखा है व्हाट इज जो हम एसिड रेन बोलते हैं एसिड रेन क्या होती है यहाँ पे दे रखा है एसिड ये पेन थोड़ा सा ठीक नहीं चलता रेन यहाँ पे एसिड रेन दे रखी है एसिड रेन के होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ड्राइक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं एंड दीज एसिड रीच टू द अर्थ विद रेन और इसी को बोलते हैं हम एसिड रेन भोपाल गैस ट्रेजेडी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आया भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल गैस ट्रेजडी भोपाल गैस ट्रेजडी तीन दिसंबर उन्नीस को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर बार बार क्या क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर जो गैस रिलीज हुई थी वो कौन सी थी तो इसके अंदर जो गैस रिलीज हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड इस तरह से हम देखते हैं कि जो ल्यूसेंट है ल्यूसेंट की हर लाइन एक क्वेश्चन है इसको रटना थोड़ा हा टफ है ये बात हम मान सकते हैं बट ल्यूसेंट की हर लाइन एक क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है इसके अंदर इसके अंदर दे रखा है वाटर पोल्यूशन मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस विद द वाटर इस कल द वाटर पोल्यूशन बार बार आप टीवी देखते हो तो उसके अंदर यमुना यो जो यमुना है दिल्ली के अंदर और गंगा बार बार इनका कॉम्बिन इनका क्वेश्चन बार बार आता है कि इसके अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है जो ओनली टू पॉइंट फाइव टू थ्री परसेंट वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज़ यूजल जो हमारे दर्द पर जो पानी है ना उसका सिर्फ ढाई से तीन परसेंट ही यूजल है बाकी यूजेबल नहीं है सोर्स क्या है क्या है? जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर कार्बोनेट होते हैं सल्फेट ऑफ मैगनीशियम पोटेशियम अल्मीनियम कार्बन मोनऑक्साइड कार्बन डाईऑक्साइड इंडस्ट्रियल रिमेन जो होते हैं वाटर के अंदर वो हमारे मेन वाटर पोल्यूशन का सोर्स होते हैं सी वाटर पोल्यूशन ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ हैवी मेटल हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम तो इससे भी ज़्यादातर हमारा वाटर जो सी वाटर है वो पोल्यूटेड होता है ऑयल स्पील्स जो हमारे जो ऑयल होता है ना कच्चा तेल आता है ईरान इराक से कच्चा तेल कई बार वो टैंक पानी में गिर जाते हैं ऑयल स्पील होता है जिससे कि वो वाटर सरफेस डिस्ट्रॉय हो जाती है In similar manner, contaminated water in which mercury is present causes Minamata disease. is question ke upar bhi multiple time question aaya hua hai Minamata disease is related with और ये जो Minamata disease है, इससे related एक convention है Minamata convention और ये mercury से related है. ये Japan में है एक जगह है. Japan से ये disease शुरू हुआ था. इस वजह से जापान के अंदर एक जगह है मीनामाठा और वहाँ पे पानी के अंदर मरकरी था तो उससे जो डिसीज़ हुआ उसकी वजह से इसका नाम मीनामाठा डिसीज पड़ा है पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर इज मेजर बाय ऑक्सीजन डिजोल्व इन इट तो हम जब भी पोल्यूशन मेज़र करते हैं वाटर के अंदर तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन इसके अंदर डिज़ोल्व है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब होगी जब उसके अंदर पोल्यूशन ज़्यादा होगा ना तो बैक्टीरिया एक्टिवेट होंगे उसको क्लीन करने के लिए तो जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी की ज़्यादा है ना तो मतलब उसके अंदर पोल्यूशन भी ज़्यादा है और उसको वो पोल्यूटेड है और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मतलब जैसे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हमारे होते हैं जो वो ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू करेंगे मतलब वो दे स्टार्ट क्लीनिंग तो उसके अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा है और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है तो वाटर क्लीन है तो ये कॉन्सेप्ट होता है ठीक है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसमें लिख नहीं रखा साउंड पॉल्यूशन स्कैटरी अनडिजायरेबल साउंड जो स्कैटर होते हैं ना उसको बोलते हैं साउंड पॉल्यूशन अब सोर्स क्या होते हैं साउंड पॉल्यूशन के एंडट इज अउड साउंड इन वॉट एवर वे इट हैज़ प्रोड्यूस अब हमारे पास है सॉइल पॉल्यूशन डिस्ट्रॉयड फॉर्म ऑफ सॉइल विच चेंज इमिकल नेचर इस कार दॉयल पॉल्यूशन सोर्स क्या है सॉइल पॉल्यूशन के एसिड रेन वाटर फ्रॉम माइन्स एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर जर्मीसाइड केमिकल गारबेज इंडस्ट्रियल रिमेन एक्सक्रेशन इन ऑफन फील्ड एक्सेटर आ द मेन सोर्स ऑफ द सोइल पॉल्यूशन नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दे रखा है इसके अंदर दैट इज न्यूक्लियर पॉल्यूशन हमने देखा था कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन से रिलेटेड इसके अंदर दे नहीं रखा एक्चुअली न्यूक्लियर पॉल्यूशन के अंदर हम क्या लगाते हैं हम लगाते हैं पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी का मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट और चिनाबिल है एक आ, लोकेशन है चिरनोबिल और एक है फुकुशिमा जापान में और एक लोकेशन है यूएसए के अंदर चिरनाबिल रशिया के अंदर है फुकुशिमा जापान के अंदर है और इसके अलावा एक लोकेशन है यूएसए के अंदर और जापान के अंदर यूएस वो अटैक किए गए थे न्यूक्लियर अटैक फैटमैन और लिटिल बेबी तो जब ये अटैक होते हैं तो उनसे क्या होता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन होता क्या है न्यूक्लियर पॉल्यूशन के अंदर क्या होता है जब भी हमारा कोई जैसे पावर प्लांट गया तो जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना वो आ, इन्वायरमेंट के अंदर फैल जाता है एनवायरमेंटल से फैलने के बाद उससे रेडियो एक्टिव वेव्स निकलते हैं रेडियो एक्टिव वेव्स क्या होती हैं आपने सुनोगा रेडियो एक्टिव रेज़ निकलते हैं ये क्या होती हैं रेडियो एक्टिव अल्फा बेटा गामा ये सुनोगा ना आपने अल्फा बेटा गामा जब ये रेज़ निकलती हैं इन्हीं को रेडियो वेव्स बोलते हैं रेडियो एक्टिव इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर पॉल्यूशन और ये क्या करते हैं जो हमारी सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं इस वजह से न्यूक्लियर और हमारे सेल को डिस्ट्रॉय इवन हमारा जो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा डी एन ये डायरेक्टली जाके हमारे डी और आर को इम्पैक्ट डालते हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो जनरेशन है ह्यूमन जनरेशन वो जगह रहने लायक नहीं होती इस वजह से न्यूक्लियर पॉल्यूशन बहुत खतरनाक होता है इसी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट जो है न्यूक्लियर पावर पे ज़्यादा फोकस नहीं करती थर्मल पावर पे फोकस करते हैं क्योंकि थर्मल पावर से जो पोल्यूशन निकलता है ना जो धुआँ निकलता है उसको डील किया जा सकता है बट ये जो हमारा न्यूक्लियर पोल्यूशन है इसको डील नहीं किया जा सकता फॉलोइंग कैन बी द सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि सोर्स क्या क्या है सबसे पहला सोर्स तो हमारा जो रेडियो एक्टिव मेटीरियल है ना वही है जो हम पावर प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं बॉम्ब बनाने में यूज करते हैं वो है और ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पॉल्यूशन सिर्फ यही है जो हमारा कैंसर है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हम न्यूक्लियर मटेरियल का यूज़ करते हैं पोल्यूशन फ्यूल्स में जैसे एटॉमिक रिएक्टर न्यूक्लियर वेपन वो ही हमने डिसीज डिस्कस किया अब इस वीडियो के अंदर वो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है पॉल्यूशन क्रिएटेड रिमेन सब्सटेंस कम आउट टू द एटोमिक पावर हाउस तो सेम थिंग इज एक्सप्लेन हेयर फुकुशिमा और शायद आइसलैंड कुछ था यूएसए के अंदर एक लोकेशन है वो आपको सर्च कर लेना है न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडिएशंस या न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट वो सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा द पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज क्लोरोफ्लोरोबन जो हमारे ओजोन होल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरोफ्लोरोबन द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रेड ऑफ नॉन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकलिंग आजकल एक चल रहा है मैं जो भी वेस्ट होता है चाहे वो स्टडी से रियूजेबल हो चाहे ना यूजेबल हो आई विल सेंड इट टू द कबाड़ी कबाडी क्या काम करता है कबाडी दे आर लाइक वल्चर दे क्रिएट हर चीज़ को सेग्रीगेट करते हैं सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकिल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इससे हमारे बहुत सारे वेस्ट टू वेल्थ जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है वेस्ट टू वेल्थ तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा दैट विल बी सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ रीसाइकिलिंग वर्मिंग कंपोस्टिंग जो वर्मिंग कंपोस्टिंग है वर्मिंग कंपोस्टिंग इज डन बाई वोम्स सोयल इरोजन सोइल इरोजन कैन भी प्रवेंटेड बाई एयरफॉरस्टेशन नेचुरल सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर वॉलकैनिकरप्शन जो नेचुरल सोर्स हैं एयर पोल्यूशन का दैट इज वॉलकैनिकरप्शन जो पॉपुलेशन बायोटिक कम्युनिटी है जो पॉपुलेशन है बायोटिक कम्पनि बायोटिक कम्युनिटी दे रखी है इसके अंदर पॉपुलेशन क्या होती है पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एट द सेम स्पीज ऑक्यूपाइंग द सेम एरिया एट द गिवन टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया नेटेलिटी नेटेलिटी इज नथिंग बट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन द गिवन पॉपुलेशन बाई बर्थ इज कॉल्ड नेटेलिटी मोर्टेलिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन ड्यू टू डैथ अंडर गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशन एट द गि टाइम इज कॉल्ड मोर्टेलिटी बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है इट रेफर द मैक्सिम कैपेसिटी ऑफ इनहेरिटेंस इनहेरिएंट ऑफ एन ऑर्गैनिजम टू रिप्रोड्यूस इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल इन्वायरमेंटल रजिस्टेंस इनवायरमेंटल फैक्टर चैक ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन म्यूचुअलिजम क्या होता है दैट इज म्यूचुअलिजम यानी वैन देर इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ दोनों के दोनों का बेनिफिट हो उसको बोलते हैं म्यूचुअलिजम कॉमेंशलीज क्या होता है एसोशिएशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज जिसमें एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना बेनिफिट होता है ना अफेक्ट होती है ना उसको नुकसान होता है ना बेनिफिट होता है तो इसको बोलते हैं कमेंशलेशन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन द ड्रामेटिक इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज ओवर शॉर्ट पीरियड इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन demographic transition if the birth rate is equal to the death rate it result in zero population growth which is called demographic transition psychosis it is a mild form of the mental illness where the patient show prolonged emotional reaction youth psychosis it is a mild form of mental illness where the patient show prolonged emotional reaction

एंड बायोस्फेयर उसको बोल लीथोसफेयर एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर इन तीनों को हम जब मिक्स करेंगे तो हमारा बनेगा बायोस्फेयर लीथोस्फेयर एटमोसफेयर हाइड्रोस्फेयर तीनों क्लब कर देंगे तो बन जाएगा बायोस्फेयर तो बस इस टॉपिक के अंदर इतना ही आई होप यू लाइक इट थैंक यू कैंडली डोंट फोर गेट टू शेयर इट ऑन अदर सोशल मीडिया आई विल बी रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू